अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो ये आयशा जी ऑलवेज हमें वेलकम करती हैं आते जाते हुए, तो हम इनको थैंक यू कहते हुए आते जाते हैं। और ये हमारे घर के बाहर माशाल्लाह पूरी फूड स्ट्रीट है। तो आज हमें 5 से 6 साल पहले जब हम आए थे तो मुझे ये नाम सुन के बड़े अजीब अजीब लगते थे, भाई भाई तिक्का शॉप, सस्ती मस्ती, माशाल्लाह बहुत मज़े मज़े के नेम्स भी और मज़े मज़े के इस तरह क्रेविंग हो। तो हमारे घर के बाहर माशाल्लाह पूरी फूड स्ट्रीट है, जो आज से 10 से 12 साल बिल्कुल पहले नहीं थी, जब हमारी शादी हुई थी। तो माशाल्लाह पूरी फूड स्ट्रीट है और माशाल्लाह 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 हुरन कितना प्यारा क्यूट सब फेस बना के इस तरह इंजॉय कर रही है इन सब बाहर, इस तरह वो देख रही है इस तरह ग्लास से बाहर, और उसने पकड़ा हुआ था माशाल्लाह। फिर मैंने इसके फेस के नीचे अपना हैंड रख दिया ना, मैंने कहा इस तरह ये रखवा लो। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी काम प्यारी और माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, माशाल्लाह बहुत आराम वाली अल्लाह सी बच्ची सबको दे। और उसने बैग पहना हुआ था जो कि उसके चाचू ने उसको गिफ्ट किया था, और ये माशाल्लाह फुरकान की ड्रेसिंग है, फुरकान की ये ओवरलुक, और ये सुभानियान की ओवरलुक है जो वो दिखाना नहीं चाह रही है, पता नहीं क्या हो रहा था। तो हम गए थे, फुरकान की ऑफ थी, तो हम सबसे पहले अपनी खाला की तरफ गए, तो क्या नाम है हमारी खाला, और ये हुरैन के बैग में स्नैक्स पड़े हुए हैं। तो वो अपना बैग किसी को शेयर नहीं कर रही, वो कहती किस तरह उसको पता था किस तरह उसके बैग में क्या पड़ा हुआ, तो अपना बैग किसी को दे ही नहीं रही थी, वो कहती मुझे मेरा बैग पकड़ा दो। तो हम इसके साथ इधर इंजॉय करते, और खाला जानी ने कतलमा मंगवाया था, तो हमने गर्मा गर्म, आपको पता है ये ठंडा तो नहीं, गर्मा गर्म खाने का मज़ा आता है। साथ में उसके साथ चने थे जो कि सलाद था, जो कि मैं नहीं शूट कर पाई। कोई बात नहीं, आप इस कतलमे को इंजॉय कीजिए, और आपको पता है ईद पे कतलमा होता है। तो बस अब हम जा रहे थे जू, फुरकान की ऑफ थी, तो कहा चलो चलते हैं जू, चलते हैं बच्चों को लेके इस तरह वहाँ से, कि ना मैं वहाँ हम थोड़े दिन बैठे, एज़ यूजल हम लेट थे घर से, और हुरैन मैडम इधर ये कि ना मैं इसको गियर को पकड़ हाथ लगा रही थी, तो वो कि ना मैं फुरकान खिला मैं लगवाता हूँ, तो उसको ना डर लग रहा था, वो वाइब्रेट कर रहा था, वो कभी फुरकान का मुँह देखती कभी उसको गियर को हाथ लगाती, लेकिन ना उसको ऐसे, फिर एक दो फुरकान उसको मना किया, लेकिन माशाल्लाह 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 इतनी अच्छी बच्ची, एक दफ़ा मना किया तो मना हो जाती है, फिर आगे से देखती रहती कि मना किया गया। तो बस हुरैन मैडम और ये इतने खूबसूरत बर्ड्स थे, मैंने आपके लिए शूट किया, मैंने कहा आप लोगों के लिए ये शूट किया जाए, इतना खूबसूरत व्यू। और ये वीडियो मैंने, ये बहुत लेंथी थी, तो मैंने थोड़ा इस तरह फास्ट करके स्लो कर दिया, और ये फुरकान इसको करवा थे, फुरकान कहते और दोनों मिलकर हम दोनों कार चलाते हैं, तो माशाल्लाह इसने अपने बाबा की कार भी चलाई, मैं फुरकान कर थी, मैंने कहा आपकी इधर जॉब आ गई हुई तो आपने जाना, तो आप चले हम कार लेके चले जाते हैं। फुरकान कर तुम कैसे चलाओगे, मैंने कहा मैं चला लूँगी, कोई बात नहीं, आपने जाना तो आप चले जाओ। फुरकान कर नहीं, बस फिर हम लोग इधर ये जू पहुँच गए, और इतने खूबसूरत से बर्ड्स इस तरह देखे, और ये पीकॉक माशाल्लाह पूरे सब पर, फुरकान कैसे ऐसे शूट करो, मैंने कहा मैं कर लूँगी मुझे पता। और ये कुछ एनिमल्स इस तरह वो रेस्ट मोड पे लगे हुए थे, दोपहर का टाइम था, तो बस इस तरह कोई रेस्ट कर रहा है। ये देखें ये इधर ये टाइगर भी सोया हुआ है, तो माशाल्लाह वो मैंने कहा कुछ रेस्ट पे लगे हुए थे, कुछ चल फिर रहे थे, कुछ इसे अपने वॉक दिखा थे, और मौसम भी सही था, इतनी गर्मी नहीं। और ये माशाल्लाह ओहो, ये इसको तो देख के ऐसे डर लग रहा था, वो मैं कहती ये लाइन अगर बाहर आ गया तो ये क्या होगा, इस तरह कैसे इस तरह देख देख के उसको इतना वो ना हॉरिबल, इस तरह मैं देख रही थी, मैं गौर से देख रही थी, तो इस तरह कोई ना इस तरह जो अंदर उनके जो अंदर वर्कर थे वो जाके इस तरह पास गए, तो इस तरह वो प्यार करवा रहे थे, तो मैं देख के हैरान हो रही थी कि देखो माशाल्लाह ये नहीं होता है, बल्कि पता नहीं मुझे ऐसे कोई से भी एनिमल को पैट एनिमल, बिल्कुल एनिमल लवर नहीं हूँ ना बिल्कुल भी, ज़रा सा भी कहा जाए। तो बस ये देखें ये हुरैन मैडम इस तरह लगी हुई थी, ये स्लेंटी सर फेंक रही थी, सर देख रही थी, तो ये यान सुबहाना इसको हाथ दिखा रहे थे ये लाइन को, तो और ये बियर आ गया, तो हुरैन मैडम ऊपर से देख रही थी माशाल्लाह। हुरैन पहले जब गई थी हुरैन छोटी थी माशाल्लाह, इस पर हुरैन सब एनिमल्स को देख रही थी माशाल्लाह, और इन्जॉय कर रही थी हमारे साथ बराबर का। तो बस मैंने एक जूती पहनी हुई थी जिसमें मैं बिल्कुल कम्फर्टेबल थी, जो मैंने ईद पर पहनी थी, मैंने आपके साथ शेयर की हुई अपनी, तो वो सैंडल मैंने पहने हुए थे। ओहो बस मेरा पाँव बड़ा इस तरह बड़ा इंजर्ड हुआ, तो मैं वो भी सुबहानियान करती, मैंने कहा बस अब थोड़ा सा ना मुझे फुरकान करते ऐसे मज़ा नहीं आएगा कि तुम बैठोगे और हम लोग इस तरह खेले, तो साथ मिलकर इस तरह इंजॉय करते हैं। तो बस फिर उन्होंने मुझे साथ में ज़ख्मी किया साथ में ज़ख्मी करके, और बस इधर ये आइसक्रीम टाइम हो गया था, बच्चों को इस तरह क्रीमिंग और थी आइसक्रीम के, मैंने कहा चलो ठीक है सही, आइसक्रीम ले ली इस तरह, ये साथ में कोक ले ली थी बॉटल शॉटल लेके हम लोग इस तरह, मेरा वो जिसकी क्रीमिंग और थी, तो मैं फुरकान करती मैंने कहा कुछ और भी चीज़ ले लेते हैं, और इतना खूबसूरत फ्लावर्स ने मैंने अपने व्यूवर्स के साथ शेयर किए जाएँ। और माशाल्लाह हुरैन मैडम भी इधर ही पेप्सी इंजॉय कर रही हैं, और ये सुभानियान साथ में खेल रहे थे, इसको साथ में इधर साथ साथ वॉक करवा रहे थे, माशाल्लाह 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 इतनी प्यारी इतनी क्यूट लग रही थी। तो इधर फुरकान इसको देखें ये वॉक करवा रहे हैं, माशाल्लाह ये वॉक कर रही है। इधर बहुत प्यारी खूबसूरत सी लाइन लिखी थी, चिड़ियाघर की सैर करते रहना, जानवरों के साथ वक्त गुजारना ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बनाता है, मुझे तो मज़ा अपने फैमिली के साथ आता है। हुरैन मैडम जब पहले आई थी तो बहुत छोटी सी थी, अब माशाल्लाह हुरैन मैडम माशाल्लाह बड़ी हो गई, और इधर मंकीज़ आ गए थे, तो हुरैन
मैडम फुल इंजॉय कर रही थी। इधर मंकीज देखे, कुछ जुए बैठ के निकाल रहे थे, कुछ बेबीज इस तरह इंजॉय कर रहे, प्ले कर रहे थे, लगे हुए थे। तो हुरैन मैडम देख रही थी, ये इतनी क्या है हुरैन, बच्चे ऐसे ही सोचते हैं, बच्चे ऐसे ही देखते देखते सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं। तो ये तो बड़े होंगे तो पता चलेगा कि ये क्या। तो हुरैन मैडम ने इधर फिर इनको सिलेंटी खिलाई अपनी, अपने बैग में से उसने सिलेंटी निकाली। तो बस इधर आ गया था ये सेल्फी टाइम, जो कि बहुत ही मज़े की जगह थी, बहुत मज़े की प्लेस थी। तो बच्चों की इधर सेल्फीज बनाई, सुबहान एन हुरैन माशाल्लाह, हुरैन बीच में माशाल्लाह, तीनों माशाल्लाह बहुत क्यूट माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं बोल दीजिए। तो बस इधर आ गए थे हम ये क्रोकोडाइल के पास में, क्रोकोडाइल भी रेस्ट मोड पे लगा हुआ था, एक उधर सोया हुआ था, एक साइड पे सोया हुआ था। तो बस इधर भी खूबसूरत से पीकॉक आ गए थे। हुरैन मैडम कह रही थी मुझे इस तरह पेप्सी दीजिए, मेरी पेप्सी मत रोको तो लगी थी कि इस तरह पिलाते जाओ। तो उसने अपनी टी शर्ट भी बहुत इस तरह ऐसे उकैली हुई थी। तो बस अभी हमने सोचा था लास्ट में जाते हुए, इसके फुरकान की ऑफ भी थी, तो इसके हम एक गन का फुरकान इसके इधर शूट करवा रहे थे, इधर हम इसका शूट कर रहे थे, इसको ग्लासेस पहना थे कि ग्लासेस पहना के, लेकिन वो ग्लासेस नहीं, इस तरह वो कहती नहीं मुझे पेप्सी दो, इस तरह सुबह आने आने पास में प्ले करने लगे। मैंने सुबह फुरकानों का तो मैंने कहा थोड़ी देर इधर बैठते हैं, बेंच सर टेबल बना हुआ था। तो इधर पर हम दोनों थोड़ा सा बैठ गए थे, हुरैन मैडम ने पेप्सी पी, हम लोगों ने थोड़ी सी गॉसिप की। तो बस इधर बच्चे खेल रहे हैं, सुबह आने आने लगे हुए हैं। तो बस अभी वो कह रहे थे एक जगह और कह रहे थे, तो कहा वहाँ नहीं जाना। इधर फुरकान बच्चों को बता रहे थे कि पहले मैंने घर में ये वाला मुर्गा रखा हुआ था, तो फिर मैं वो कह रही थी मिलकर सही थी। तो इधर स्मेल भी इतनी थी और ये पैरट्स थे माशाल्लाह बोलने वाले। तो बस इधर ये लोग इनसे बातें कर रहे थे, इनको बातें सिखाते, हुरैन मैडम इधर खड़े होकर देख रही थी। और ये चीज़ें हमने रस्ते में से ली नहीं थी, तो बस इस तरह ये साथ खाते, मैं तो जाते साथ ही कहते मैंने कहा चलो अच्छे करते हैं बिरयानी ट्राई करते हैं। फुरकान फिर कहते हैं याद है ना पहले बिरयानी ली थी तो ज़रा नहीं अच्छी थी। तो बस फिर मैंने तो कहा मैंने कहा मुझे क्रेविंग हो रही, मैं तो फिर बैठ गई थी, मैंने बैठ के सर चिप्स लेके मैं बैठ गई थी। और ये देखें माशाल्लाह टाइगर पता नहीं गुस्से में क्यों फिर रहा है, इसको क्या हुआ है तो पहले तो सोया हुआ था लेकिन अब उठ गया हुआ था। तो माशाल्लाह उसने वॉक स्टार्ट कर दी थी फुरकान को, इधर हुरैन सुभान को दिखा रहे थे। तो इधर माशाल्लाह हुरैन भी इंजॉय कर रही थी, देखे खड़े होकर रैबिट्स को देख रही है कि माशाल्लाह उधर छोटे छोटे बेबी के वगैरह में, वो रैबिट्स के बेबी भी थे। तो हुरैन मैडम इधर खड़ी थी, एक इसके साथ एक लड़का भी खड़ा हो, तो बाद में उससे खड़े होकर बातें करने लगी। माशाल्लाह फ्रेंडली लविंग केयरिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, अल्लाह इसको ऐसे अच्छा है, इसके नसीब भी ऐसे खूबसूरत करे इंशाल्लाह आमीन समामी नामीन या रब्बुल आलमीन। इधर ये जंपिंग पैड आ गया, तो बस बच्चों ने इधर ये जंपिंग पैड पर बैठना जरूरत है। मैं बैठ गई थी, हुरैन मैडम भी बैठ के स्नैक को इंजॉय कर रही है, लेस खा रही है, तो मैं भी बैठ के लेस खा रही थी। हम साथ साथ गॉसिप करते और बच्चों को इंजॉय करते, बच्चों की मस्तियाँ किस तरह की जंपिंग कर रहे हैं लगे मैं। तो बस माशाल्लाह मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटिए और जो दिल में कीजिए सही चीज़ गलत चीज़ बिल्कुल भी नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर। मैंने आपको बताया था ना हुरैन की गंज करवानी, और माशाल्लाह इतनी आराम से वो ये बंदा भी तारीफ़ कर रहा था कि माशाल्लाह बहुत अच्छी आराम से, बच्चे तो इस तरह करवाते ही नहीं जैसे ये माशाल्लाह आराम से बैठ के करवा रही है। और ये मेरा बेचारा जख्मी पाँव में जिसमें मैंने टिशू लगाए थे फिर भी दर्द कर रहा था। तो बस इधर ही हम ये सैलून आए थे हुरैन की, हमने गंज करवाई घर में जाके, फिर हमने बारबेक्यू किया, लेट नाइट्स हुए, फिर बच्चे सुबह स्कूल गए, बैक टू रूटीन। बस अब रमज़ान का वो महीना खत्म हुआ, तो बस अब रमज़ान वाली रूटीन बनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।